Hello students, welcome to CR International online classes. Today we will continue chapter 5 exponent and power. बेटा हमारा chapter 5 exponent and power चल रहा था, उसके कुछ questions हमने कल करे थे, उसके हमने कर लिए थे 1, 2, 3 questions. तो मैंने आपको कल बता दिया था कि exponent क्या होता है, उसका second name क्या होता है, उसको हम power भी बोलते हैं, उसको हम index भी बोलते हैं, ठीक है? और मैंने आपको कल बताया था base क्या होता है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है बेटा? तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5A. तो देखेंगे यहाँ बोर्ड पे बेटा, एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है, एक्सप्रेस इन द पावर नोटेशन. पावर नोटेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, पावर की फॉर्म में लिखना है. तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 125. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 125 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं. अब देखिए बेटा, हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं, रफ में कर लीजिए चाहे तो. जब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स करे तो आगे 5 × 5 × 5, ठीक है? इस तरह से आ गया 5 × 5 × 5, क्योंकि 5 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 ही आ जाएगा, ठीक है? अब हमने इसको पावर की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, क्योंकि यह 5 मल्टीप्लाई हो रहा है. कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 टाइम्स. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 raised to power 3. तो ये पावर नोटेशन की फॉर्म में आ गया, क्लियर? और देखिए बेटा इसका पार्ट, इसका 6th पार्ट देखिए जैसे है, 81 upon 625. तो 81 है, 81 को अगर मैं इस तरह से लिखूं, 3 × 3 × 3 × 3, तो 81 ही आ जाएगा. आप इसके 81 के प्राइम फैक्टर्स करके देख लीजिए रफ में, इस तरह से ही आएगा, 3 × 3 × 3 × 3. अब 625 के प्राइम फैक्टर्स करो तो आ जाएगा 5 × 5 × 5 × 5, क्योंकि 5 × 5 = 25, 25 को 5 से करेंगे 125, और 125 को फिर 5 से करेंगे आ जाएगा 625, ठीक है बेटा? तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए और इस फॉर्म में लिख दिया. अब देखिए न्यूमरेटर में भी 3 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स, और डिनोमिनेटर में भी 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 upon 5 की पावर 4, ये भी 4 टाइम्स है, ये भी 4 टाइम्स है. अब हम इसको कॉमन भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हुए इसको, 3 upon 5 पूरे की पावर 4, क्योंकि न्यूमरेटर की पावर भी 4 है और डिनोमिनेटर की पावर भी 4 है. तो मैंने इसको कॉमन लिख दिया, 3 upon 5 complete power 4, होल पावर 4 लिख दिया इसको हमने, ठीक है बेटा? तो ये हो गया हमारा पावर नोटेशन की फॉर्म में. तो क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स मैंने आपको बोर्ड पे कराए, रिमेनिंग पार्ट बेटा आप खुद करोगे. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है -5 raised to power 3 मल्टीप्लाई -1 raised to power 7 इनटू में 2 raised to power 2. अब हम इसको सॉल्व करते हैं, -5 की पावर 3 है तो -5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से लिख देंगे. -1 की पावर 7 है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1 × -1 × -1 7 टाइम्स लिख सकते हैं, लेकिन हम इसका डायरेक्ट लिख देते हैं. तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ, अगर -1 की पावर कभी भी इवन नंबर आ रहा है तो उसका आंसर आएगा प्लस में, पॉजिटिव में आएगा, +1 आएगा. और अगर -1 की पावर कोई भी ओड नंबर है, ओड नंबर आ रहा है यहाँ पर, तो उसका आंसर आएगा नेगेटिव में, यानी कि -1 आएगा. अब यहाँ पर -1 की जो पावर है वो 7 है, 7 क्या है हमारा, ओड नंबर है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा. आप -1 को रफ में 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो, -1 ही आएगा, ठीक है बेटा? उसके बाद 2 raised to power 2 है तो 2 × 2 लिख सकते हैं. अब हम इसको और मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 5 को 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, ये आ जाएगा 125, ठीक है? 1 as it is, 2 को 2 से करेंगे, 4. अब देखिए माइनस कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स है. और 4 क्या है हमारा, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस. प्लस लगाने की कोई नीड नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे. अब 125 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब हम 125 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 500, क्लियर बेटा? ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 5.
फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, और पार्ट देखिए इसका बोर्ड पे, मैं आपको करा रही हूँ इसका फोर्थ पार्ट, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट करा रही हूँ बोर्ड पे। 2 raised to power 2 plus 3 की power 3 plus 4 की power 3। अब 2 की power 2 यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, प्लस एज इट इज 3 की पावर 3, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, प्लस एज इट इज 4 की पावर 3, 4 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2 2s 4, इसको सिंपलीफाई करा आ गया 4। अब 3 into 3 into 3 कितना आ जाएगा 27, 4 into 4 into 4 कितना आ जाएगा 4 4 16 और 16 4 64। ठीक है बेटा, अब इसको ऐड कर लेते हैं हम, 27 और 4 कितने हो जाएंगे 31, 31 प्लस 64 ये कितना आ जाएगा 95। ठीक है बेटा, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 5th हो गया हमारा। अब मैं आपको करा रही हूँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज अ पावर ऑफ 5, 5 की पावर में ही एक्सप्रेस करना है उसको, ओनली 5 की पावर में एक्सप्रेस करना है और किसी नंबर में हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, जैसे कि फर्स्ट नंबर है 5, फर्स्ट पार्ट दिया है 5, तो 5 को मैं अगर पावर की फॉर्म में लिखूं तो इस तरह से लिख सकती हूँ 5 की पावर 1, पावर की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद 25 के प्राइम फैक्टर करूंगी 5 multiply 5, और इसको मैं पावर की फॉर्म में लिखूंगी 5 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने बेस क्या लेना है उसका 5 ही लेना है, इसमें लिखा हुआ है एज अ पावर ऑफ 5, 5 की ही पावर होनी चाहिए यानी कि बेस उसका 5 ही होना चाहिए। और देखिए जैसे इसका दिया हुआ है फोर्थ पार्ट 625, अब 625 को मैं ये भी लिख सकती थी 25 multiply 25 यानी कि 25 का स्क्वायर, लेकिन हम नहीं लिखेंगे इसको ऐसे क्योंकि हमने इसके अंदर जो बेस लेना है वो 5 लेना है, 5 की ही पावर होनी चाहिए। तो मैं इसके जब प्राइम फैक्टर करूंगी तो आ जाएगा 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5, 4 टाइम्स आ जाएगा। तो मैं इसको जब पावर की फॉर्म में लिखूंगी तो आ जाएगा 5 की पावर 4। ठीक है बेटा, तो हमने इसको 5 की पावर में लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 के 5 पार्ट्स है बेटा, मैंने आपको 3 पार्ट्स बोर्ड पे करा दिए हैं, रिमेनिंग पार्ट आप खुद करेंगे। तो एक्सरसाइज 5A के हमारे 3 क्वेश्चंस ही रिमेनिंग थे, तो आज तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको बोर्ड पे करा दिए हैं, सभी पार्ट्स आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। तो आज की जो लाइव क्लास थी उसमें कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम थी मैथ्स से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स मैंने आपकी नोट डाउन कर ली थी, तो वो प्रॉब्लम्स मैं आपकी अब बोर्ड पे लूंगी। यहाँ पर देखते हैं बोर्ड के ऊपर, देखिए बेटा बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा एक्सरसाइज 2B का, एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 9 का 9 पार्ट एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी, यहाँ बोर्ड पे देखेंगे 108/36 ऑफ 1/3 प्लस 2/5 multiply 3 and 3/4, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। बोर्ड देखिए, बोर्ड पे देखिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे बोर्ड मास का रूल यूज करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मास में आता है ब्रैकेट बी, तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद आती है ओ की टर्न यानी कि ऑफ, तो हम ऑफ को सोल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ऑफ के प्लेस पर लगा देंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई, बाकी एज इट इज। अब ये मिक्स फॉर्म में है, इसको हम सिंपल फॉर्म बनाते हैं 4 3 12 और 3 15/4। अब देखिए ये ऑफ वाला टर्म आई थी, इसको हमने ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई लगा दिया, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये आ गया 12। ठीक है बेटा, तो 108/12 divide 12 plus 2/5 multiply 15/4। अब हमारी ऑफ की टर्न कंप्लीट हो गई, उसके बाद आई हमारी डिवाइड की टर्न, हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 108 को 12 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 9 प्लस में 2/5 multiply 15/4। उसके बाद आती है डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई की टर्न, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5 और ये कट रहे हैं 15, यहाँ पर ये कटेगा तो आ जाएगा 2 नीचे, तो यहाँ पर सोल्व कर आ गया 3/2। अब डिवाइड भी सोल्व हो गया, मल्टीप्लाई भी सोल्व हो गया, मल्टीप्लाई के बाद टर्न आती है एडिशन की। अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 9 को लिख देंगे 9/1। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, आ गया 2, ये आ गया 18 और ये आ गया 3। अब ये 18 कैसे आया, एलसीएम को नीचे वाले नंबर से डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड करने पर जो नंबर आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2 को 2 से डिवाइड कर आ गया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर आ गया 3, तो जब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो आ गया 21/2।
टू आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसका आंसर जो है मिक्स फॉर्म में भी निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, और देखिए बेटा यहाँ पर एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 5th, एक ये प्रॉब्लम थी एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 5th। एक्सप्रेस -192/240 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 96। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए इसका? 96 होना चाहिए। देखिए बेटा अभी न्यूमरेटर दिया हुआ है -192, इसको 96 बनाना है, यानी कि ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर बनाना है। जब भी ग्रेटर से स्मॉलर बनाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और स्मॉलर से ग्रेटर बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने इसमें 192 को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि डिवाइड करने पर ये क्या बन जाए, 96 बन जाए। ठीक है, हमने 96 बनाना है इसको। तो हम क्या करेंगे, -192 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, 192 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 9 18, 2 6 12, 96 आ जाएगा। लेकिन ये आएगा माइनस का, लेकिन हमें चाहिए प्लस का। ठीक है, तो हम 2 से नहीं -2 से करेंगे, क्योंकि 192 को जब 2 से करेंगे तो आ जाएगा 96। अब हमारा माइनस रह रहा था, तो माइनस को माइनस से करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए प्लस का 96 आ जाएगा। अब न्यूमरेटर को हमने -2 से डिवाइड करा है, तो डिनोमिनेटर को भी हम -2 से ही डिवाइड करेंगे। अब 240 को 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 120, और नीचे आ जाएगा माइनस का साइन। अब ये माइनस का साइन हमने नीचे ही क्यों रखा, ऊपर क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि हमने जो न्यूमरेटर बनाना था वो प्लस का ही बनाना था, 96 ही बनाना था प्लस का, तो हमने 96 बनाकर उसको वहीं पर ही छोड़ दिया। ठीक है बेटा, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 5th। और भी प्रॉब्लम थी यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 में भी प्रॉब्लम थी किसी स्टूडेंट को। तो देखिए बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जैसे कि -18/-24 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसको लोएस्ट टर्म में लिखना है, कट करके लिखना है। तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, अब 18/24 है तो ये कट हो जाएगा किसी भी नंबर से। 2 से करेंगे 2 9 18, इसको करेंगे 12, अगेन ये 2 से नहीं होता कट, तो हम 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 4 12। अब ये 3/4 किसी भी नंबर से कट नहीं हो रहा आगे, तो इसको 3/4 को यहीं पर ही छोड़ देंगे, तो ये हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर लोएस्ट टर्म आ गई। ठीक है बेटा, और देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई। 4C एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई देखिए, यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट पार्ट, जैसे 11/18 × -9 + -3/4 × 5/6। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, 11/18, अब -9 को ये लिख सकते हैं -9/1, ठीक है, प्लस का साइन एज इट इज, -3/4 × 5/6। देखो यहाँ पर ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और बीच में आ रहा है प्लस का साइन, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रेशनल नंबर्स को, तो देखिए 18 और 9 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे, 9 1 9 9 2 18, तो आ गया -11/2 प्लस एज इट इज। अब यहाँ देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कैंसिल हो रहे हैं, 3 और 6, ठीक है, तो ये माइनस एज इट इज, ये आ गया 5/4 2 8, ठीक है। अब -11/2 एज इट इज, यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 2 और 8 का, आ गया 8, इसको इससे डिवाइड करेंगे आ गया 4, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -44, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1, और -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 ही आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -49/8। ये -49 कैसे आया, माइनस माइनस प्लस, 44 और 5 कितने होते हैं, 49, और साइन कौन सा लगता है, जो ग्रेटर नंबर का होता है। ठीक है बेटा, तो लाइव क्लास में जो बच्चों ने प्रॉब्लम्स बताई थी उसमें से जो कॉमन प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको बोर्ड पे समझा दी है बेटा। ठीक है, इसी तरह से लाइव क्लास में आप अपनी प्रॉब्लम नोट करा सकते हैं मुझे, लेकिन जब आप प्रॉब्लम नोट करा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, जो क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में लास्ट किसी भी वीडियो में किसी भी एक्सरसाइज में समझा चुकी हूँ, वो क्वेश्चन आप जो है पुट ना करें, उसका और कोई पार्ट जो मैंने आपको बोर्ड पे नहीं कराया था वो आप पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट करा दिए आपको, 1st और 4th, और बीच के पार्ट नहीं कराए थे, वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे 2 पार्ट्स, तो वो जो पार्ट मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं,
तो आपकी वो प्रॉब्लम जो है मैं इसी तरह से लास्ट में आपकी प्रॉब्लम्स ले सकती हूँ और क्लास में आपको समझाऊंगी। ठीक है बेटा।